सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस की राजधानी किंग्सटाउन में भारतीय बिरादरी से की मुलाकात। किंग्सटाउन में कॉलर्ड रोड का नाम बदलकर इंडिया ड्राइव भारत मार्ग रखा गया। वज़ीर-ए-आज़म आज बीजेपी के कौमी अहदेदारान की जयपुर में हो रही मीटिंग से वर्चुअली तौर पर करेंगे खिताब। हुकूमत की पॉलिसियों और पार्टी तंजीम के प्रोग्रामों पर होगा तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म 24 मई को जापान में क्वाड सरबराही इजलास में लेंगे हिस्सा। जापान के वज़ीर-ए-आज़म और अमेरिकी सदर के साथ करेंगे दोतरफा बातचीत। आलमी सनत और भारतीय बिरादरी के साथ भी होगा तबादला ख्याल। कान फिल्म फेस्टिवल में रॉकेटरी दी नंबी इफेक्ट का हुआ वर्ल्ड प्रीमियर। इत्तला तो नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर और उनके बांग्लादेशी हम मनसब ने बांग्लादेश के बानी की बायोपिक मुजीब का ट्रेलर किया लॉन्च। ज्ञान वापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज फिर होगी समाअत। वाराणसी अदालत में पेश हुई सर्वे रिपोर्ट। अदालत ने समाअत को पीठ तक के लिए किया मुलतवी। सेवन जी मुमालिक ने यूक्रेन को माली इमदाद फराहम करने पर रजामंदी की जाहिर। वहीं अमेरिकी सेनेट ने यूक्रेन के लिए 40 अरब डॉलर के पैकेज को दी मंजूरी। भारत की निखत जरीन ने इस्तांबुल में खवातीन आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में तारीख रकम की। 52 किलोग्राम जुमरे के फाइनल में थाईलैंड की खिलाड़ी को शिकस्त देकर जीता सोने का तमगा। सदर जमहूरिया, वजीर आजम और वजीर खेल ने दी मुबारकबाद। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स का चेन्नई सुपर किंग्स से होगा मुकाबला। राजस्थान के पास प्लेऑफ में पहुंचने का होगा मौका। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस के दारुल हुकूमत किंग्सटाउन में भारतीय बिरादरी से मुलाकात की। इस मौके पर खिताब करते हुए सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा कि सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस के साथ हमारी तरक्याती शराकतदारी आलमगीरी भाईचारे के जज्बे पर मबनी है। सदर जमहूरिया ने सभी से न्यू इंडिया और यहाँ हो रही इक्तसादी तरक्की से जुड़ने की अपील की। Please, I do request all Indians who have settled down here, who have made this country as their home, please do maintain your Indian identity also. इस मौके पर एक सकाफती प्रोग्राम का भी इनेकाद किया गया जिसमें बच्चों के रक्स ने सबका दिल जीत लिया। और सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस की राजधानी किंग्सटाउन में कॉलर रोड का नाम बदलकर इंडिया ड्राइव भारत मार्ग रखा गया है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने नाम बदलने से मुतालिक तख्ती की नकाब कुशाई की। इस मौके पर सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस के वजीर आजम रैल्फ ई गोंजाल्विस और मकामी बिरादरी के मेंबर मौजूद थे। इससे कबल सड़क के नाम से मुतालिक एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत बुनियादी ढांचे की तरक्की करके मकामी लोगों की बहबूद में मददगार साबित होगा। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से नए भारत और इसकी तेज रफ्तार इक्तसादी तरक्की में शामिल होने की अपील की।
We want to support our brothers and sisters here in building a stronger St. Vincent and the Grenadines with infrastructure projects that add value to the well-being of the people. I would also urge all of you to connect with the new India, its immense journey and rapid economic growth. और सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अपने दो दिन के करेबियाई मुमालिक के दौरे के दूसरे मरहले में सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस के पार्लियामेंट के खसूसी इजलास से खिताब किया। सदर जमहूरिया ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी ताल्लुकात हैं और भारत कोरोना वबा में सेंट विंसेंट ग्रेनेडाइंस के साथ खड़ा रहा। सदर जमहूरिया ने कैरिकॉम मुमालिक के साथ अपने ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए अपने पुख्ता अज़्म का इयादा किया। India engages with the SVG at the regional level in the CARICOM, which has more than 1 million strong Indian diaspora. We appreciate SVG's active participation in the various activities on our agenda with the CARICOM. We deeply value our ties with the CARICOM, which is one of the oldest integration groupings in the region. India will continue to partner with this regional mechanism in addressing the challenges on the front of development and other issues. और सदर ने कहा कि कसीर जहती इदारों में इस्लाहात वक्त का तकाजा है। उन्होंने कहा कि कसीर जहती इदारों को असरी हकाइक का अक्कास होना चाहिए। Multilateralism is more relevant in today's interconnected and interdependent world than it was at any time in our shared history. Multilateralism ought to be used as an instrument to promote strong, sustainable, balanced, and inclusive growth in all nation states. However, for multilateralism to remain relevant and effective, institutions need to be reformed. Structures and institutions that emerged after the two world wars focused on one major issue, that of preventing another world war. To tackle the complex issues of today, the new world order that we seek to build is to be an inclusive world order, where every country can express its legitimate interests. This can only happen by way of an expanded and better designed representation system in key global institutions. Madam Speaker, और इससे कबल सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने किंग्सटाउन में पार्लियामेंट के खसूसी इजलास के आगाज से कबल सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस की गवर्नर जनरल डैम सोसन डोगन और वजीर आजम डॉक्टर रॉल्फ गोंजाल्विस से मुलाकात की। उन्होंने इत्तलात टेक्नोलॉजी सेहत तालीम सियाहत और सकाफत के शोबों और कसीर जहती फोरम्स में ताउन को मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल किया। सदर जमहूरिया ने विजिटर बुक पर दस्तखत किए और भारत और सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस के दरमियान मफाहमत नामों पर दस्तखत किए। टैक्स वसूल करने से मुतालिक मफाहमत नामे पर दस्तखत किए। दूसरा मुहायदा किंग्सटाउन सेंट विंसेंट में ओल्ड कालडर कम्युनिटी सेंटर में हुआ, जो बैरून मुल्क भारतीय हुकूमत की तरक्याती शराकतदारी की पहल के फौरी तौर पर प्रोजेक्ट की तजदीद के लिए माली मदद फराहम करता है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने किंग्सटाउन में बोटैनिकल गार्डन का दौरा किया और चंदन का दरख्त लगाया। मकामी लोक फनकारों ने सकाफती रक्स और मौसिकी पेश की। सदर जमहूरिया ने स्कूल के बच्चों और मकामी फनकारों से मुलाकात की और उनकी कारकर्दगी को सराहा।
आगे बढ़ते हैं, जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज जयपुर में बीजेपी के कौमी उहदेदारों के इजलास से वर्चुअली तौर पर खिताब करेंगे। बीजेपी के कौमी उहदेदारों की मीटिंग में कौमी जनरल सेक्रेटरी, कौमी खजांची, जनरल सेक्रेटरी, नायब सदर, तमाम रियासती सदूर, तंजीमी वजीर और तमाम महाजों के कौमी सदर समेत कुल 136 कौमी उहदेदारान मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। इसमें कई साबिक वज़राए आला और साबिक मरकजी वजीर भी शामिल हैं। मीटिंग में सियासी उमूर के साथ साथ हुकूमत की पॉलिसियों और पार्टी तंजीम और पार्टी प्रोग्रामों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मीटिंग में इसके अलावा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर खोज किया जाएगा। हर बूथ पर पार्टी को मजबूत बनाने पर भी बात की जाएगी। इसके अलावा वज़ीर आज़म मोदी हुकूमत की स्कीमों और हुसूलियाबियों को अवाम के दरमियान ले जाने की अपील पर भी बात करेंगे। इस मीटिंग के कुल 4 सेशन होंगे, जिसमें मुख्तलिफ मौजूदात पर बात की जाएगी। इजलास का खिताम जेपी नड्डा के खिताब के साथ होगा। इसके अलावा बीजेपी सदर नड्डा बिरला ऑडिटोरियम में सुंदर सिंह भंडारी की किताब का इजरा करने के बाद नुमाइंदों से खिताब करेंगे। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने कौमी उहदेदारों की मीटिंग से पहले जयपुर में बीजेपी के वज़रा की मीटिंग की सदारत की। इजलास में आइंदा असेंबली इंतखाबात की हिकमत अमली पर गौर किया गया। कबल अज़ी कल शाम बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा का जयपुर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। हवाई अड्डे से रोड शो के लिए रवाना हुए कार में उनके साथ वसुंधरा राजे समेत कई शख्सियात मौजूद थी। रोड शो के दौरान हामियों और कारकुनों ने बीजेपी सदर को मुबारकबाद दी। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर राजस्थान के कारकुनों ने 75 दरवाजे बनाए हैं, जिन पर मरकजी हुकूमत की स्कीमें आवेजा हैं। इसके साथ ही जवाहर सर्कल में राजस्थानी सकाफत को भी महसूस किया जाएगा। और अगले हफ्ते वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जापान में क्वाड सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में अमेरिकी सदर, ऑस्ट्रेलिया और जापान के वज़ीर आज़म के साथ बहर हिंद के वाकयात के साथ ही आपसी अहमियत के आलमी मामलात पर गौर खोज करने के साथ ही क्वाड पहल की अब तक की पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। जापान के दौरे में वज़ीर आज़म मोदी अमेरिका के सदर जो बाइडन, ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन और जापान के वज़ीर आज़म फोमियो किशिदा के साथ दो तरफा मुलाकात भी करेंगे। 11वीं मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज फिर समाअत होगी। ये समाअत कल भी हुई थी। अदालत ने वाराणसी की अदालत को इस मामले की समाअत ना करने और कोई हुक्म जारी ना करने की हिदायत दी है। इसके अलावा वाराणसी की अदालत में सर्वे रिपोर्ट भी पेश की गई। ताहम अदालत ने 3 दरख्वास्तें, सर्वे रिपोर्ट और एतराजात पर समाअत पीर तक मुलतवी कर दी थी। अब बात करते हैं कांस फिल्म फेस्टिवल की, जहां कांस फिल्म फेस्टिवल के दौरान अदाकार से हिदायतकार बने आर माधवन की आने वाली फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट का शानदार वर्ल्ड प्रीमियर हुआ। दुनिया भर के सिनेमा शायकीन भी इस हाईफाई फिल्म के से लुत्फ अंदोज हुए। फिल्म के प्रीमियर के बाद फिल्म साज, डायरेक्टर और अदाकार आर माधवन ने इत्तला तो नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर से मुलाकात की। इस मौके पर साइंसदान नाम्बी नारायण, मौसीकार एआर रहमान भी मौजूद थे। और भारत और बांग्लादेश के दरमियान मुश्तरका प्रोडक्शन मुजीब दी मेकिंग ऑफ ए नेशन का ट्रेलर कल फ्रांस में कांस फिल्म फेस्टिवल के भारतीय पवेलियन में लॉन्च किया गया। इस फिल्म में बांग्लादेश के बाबा कौम बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान की जिंदगी को दिखाया गया है। श्याम बेनेगल की हिदायत में बनी इस फिल्म की शूटिंग भारत और बांग्लादेश में की गई है। फिल्म का ट्रेलर इत्तला तो नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर और उनके बांग्लादेश के हम मनसब हसन महमूद ने लॉन्च किया। बंगबंधु इसलिए भी कहा गया कि बंगाली के लिए कोई खड़ा हुआ, बंगाल के लिए कोई खड़ा हुआ, तो उस समय ना केवल देश में, ना केवल क्षेत्र में, बल्कि दुनिया भर में उन्होंने अपनी नई पहचान बनाई और उस पहचान को बरकरार रखने के लिए आज की शताब्दी में भी ये फिल्म एक बहुत बड़ा रोल अदा करने वाली है। और इस मौके पर इत्तला तो नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि फिल्म मुजीब में दोनों मुल्कों के दोस्ताना ताल्लुकात को दिखाया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये बंगाल के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करने वाले मुजीबुर रहमान की शिनाख्त को बरकरार रखने में बड़ा किरदार अदा करने वाली है।
और आपको बता दें कि इत्तला तो नशरियात के वजीर डॉक्टर हसन महमूद ने कहा है कि बंग बंधु पर बनने वाली फिल्म भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात की मजबूती और गहराई की अक्कास है। I want to extend my thanks to her also for coining the idea of making a movie along with India on the struggle, suffering, determination and making of a nation by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Indeed, Bangladesh and India relationship has gone to new height under the leadership of Prime Minister Sheikh Hasina and under the leadership of Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, for the last couple of years. And this is a demonstration, joint production of this movie is the demonstration of the strength and depth of relationship between Bangladesh and India. और इस बार कांस फिल्म फेस्टिवल कई हवालों से भारत के नाम रहा। इस मशहूर फिल्मी मेले में पहली बार भारत को कंट्री ऑफ ऑनर से नवाजा गया। इस बार यहाँ भारतीय आर्ट कल्चर की झलक भी देखने को मिलती है। कांस में डीडी न्यूज की नामा निगार श्यामा मिश्रा ने फ्रांस में भारतीय सफीर जावेद अशरफ से बात की और मालूम किया कि फिल्म मैच ड्यू में भारत को एजाजी मुल्क का दर्जा कैसे मिला। भारत और फ्रांस के दरमियान गहरे सिनेमाई ताल्लुकात और मुस्तकबिल के बारे में भी बात की गई। हम यहाँ कान फिल्म फेस्टिवल कवर कर रहे हैं और कान में हैं तो हम भारतीय राजदूत हिज एक्सीलेंसी जावेद अशरफ से बातचीत करेंगे ही। सर, दूरदर्शन से बात करने के लिए सबसे पहले धन्यवाद। यही सवाल पहला होगा कि इस वर्ष कान फिल्म महोत्सव में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर का सम्मान दिया गया है, तो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पहली बार ये ट्रेंड शुरू किया गया है और पहली बार भारत को ही दिया गया है। देखिए, इसमें आपने सही कहा, ये 75वां साल है कान फिल्म फेस्टिवल का, तो इनकी भी कई जो हैं इनमें भी बदलाव आना एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी पहले किसी देश के लिए नहीं किया है। और इसका मुझे लगता है कि हमें पूरा क्रेडिट अपने सरकार को देना चाहिए, मिनिस्ट्री को देना चाहिए जिनके जिनके प्रयासों से ये संभव हुआ है। ऐसे समय में सिनेमा, भारतीय सिनेमा कितना महत्वपूर्ण रोल निभाएगा इस रिलेशनशिप को और मजबूती देने में, और साथ ही जब ऐसा अहम कदम लिया जाता है इतने बड़े महोत्सव की ओर से, तो कितना आगे जा सकता है भारत और फ्रेंच का रिलेशन? हम मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक देशों के बीच में संबंध की कड़ी बनती है मजबूत तब जब ये लोगों के दिल और दिमाग में बसती है, और सिनेमा इसका एक बहुत ही मुख्य माध्यम बन सकता है। और इन दोनों देश में जहाँ सिनेमा के बारे में जितना कहा जाए वो कम है। हम दो देश हैं जो कि अपनी कल्चर, अपनी सभ्यता के बारे में गर्व तो है ही, अपनी सिनेमा के बारे में भी गर्व है, और जब हम एक दूसरे को सिनेमा के माध्यम से जोड़ेंगे हमारे संबंध और घनिष्ठ होंगे। तो मैं समझ रहा हूँ कि इस साल जब हम भारत की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जब भारत और फ्रांस के संबंधों की भी 75वीं वर्षगांठ बना रहे हैं, तो इस ये कांस में जो ये हमें सम्मान मिला है इस बात का संकेत देता है कि भारत और फ्रांस के संबंध में कोई सीमाएं नहीं है। कैमरा पर्सन शुभम शर्मा के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज, कान, फ्रांस। और G7 ममालिक के ग्रुप ने यूक्रेन को माली इमदाद फराहम करने से इत्तेफाक किया है। अमेरिकी वजीर खजाना जेनेट येलन ने जर्मनी में G7 वज़राए खजाना के इजलास में सहाफियों को बताया कि ग्रुप के ममालिक रूस के खिलाफ यूक्रेन को जरूरी माली इमदाद फराहम करने पर रजामंद हो गए हैं। वहीं अमेरिकी पार्लियामेंट के ऐवान बाला सेनेट ने यूक्रेन के लिए फौजी, इक्तिसादी और इंसानी हमदर्दी की इमदाद के लिए $40 अरब के पैकेज को मंजूरी दी है। इसमें से 7.5 अरब डॉलर यूक्रेन के बजट की कमी को पूरा करने के लिए मुख्तस किए गए हैं। G7 की सरबराही फिलहाल जर्मनी के पास है। जर्मन वजीर खजाना क्रिश्चियन लेंडर्स ने यूक्रेन के बजट के लिए $1,100,000,000 की इमदाद का ऐलान किया है। यूरोपीय कमीशन ने कहा है कि वो $9.5 बिलियन तक की जामे माली इमदाद का अहद करेगा जो G7 समेत बैनुल अक्वामी शराकत दारों की मदद से पूरा किया जाएगा। इसी दौरान बैनुल अक्वामी मालियाती फंड और यूक्रेन के हुकाम ने कहा है कि मुल्क को तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी जारी रखने और दीगर अखराजात पूरा करने के लिए हर ममालिक में $5 बिलियन की जरूरत है।
भारत ने दुनिया को कई तरह की तहकीक और साइंसी इजादात दी हैं। इसी सिलसिले में भारत के एक आज़ाद साइंसदान डॉक्टर अजय सोनकर ने समंदरी सीपों से मोतियों की पैदावार में नई तहकीक से दुनिया को हैरान कर दिया है। सेल कल्चर्स के जरिए शीशे के फ्लास्क में मोतियों की पैदावार की तकनीक को कामयाबी के साथ तैयार करने पर सदर जमहूरिया ने उन्हें हाल ही में पद्मश्री से भी सरफराज किया है। पेश है ओपी यादव की यह रिपोर्ट। टैलेंट आम मसावात का मोहताज नहीं होता। काम के तई लगन और जुनून आम इंसान को गैर मामूली काम में कामयाब बना सकता है। ऐसी मिसाल है आजाद भारतीय साइंसदान डॉक्टर अजय कुमार सोनकर, जिन्होंने समुद्री सीप से मोती की पैदावार में नई तहकीक करके पूरी दुनिया को एक दिलचस्प इजाद से वाकिफ कराया। अंडमान निकोबार में काम कर रहे साइंसदान अजय सोनकर ने सेल कल्चर के जरिए शीशे के फ्लास्क में मोती तैयार करने की तकनीक को कामयाबी के साथ इजाद करके टिश्यू कल्चर की तहकीक में इम्कानात के नए दरवाजे खोल दिए हैं। मैंने अपनी विधा में मरीन पर्ल कल्चर एक्टिविटीज में टिश्यू कल्चर के थ्रू अंडमान की प्रजाति की जो ऑयस्टर्स हैं उनके टिश्यूज से एक्सपेरिमेंट किया, तो उसमें कुछ जीन हैं जो कैल्साइट क्रिस्टलाइजेशन या एरागोनाइट क्रिस्टलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमने कैल्साइट क्रिस्टलाइजेशन के जो जीन थे उसको स्विच ऑफ कर दिया, यानी मेथिलेशन कर दिया उसका, तो फिर वो एक्सप्रेस नहीं हुए, तो उसमें कैल्साइट क्रिस्टलाइजेशन नहीं हुआ, सिर्फ एरागोनाइट क्रिस्टलाइजेशन हुआ। एरागोनाइट क्रिस्टलाइजेशन ही पर्ली कंपोनेंट है जिसकी वजह से मोती को रत्न माना जाता है। ये टेक्नोलॉजी डेवलप की अभी हमने इस एक्सपेरिमेंट किया इसको। साइंसदान डॉक्टर अजय कुमार सोनकर ने साल 2020 की शुरुआत में अंडमान में अपनी लेबोरेटरी से काले मोती बनाने वाले पिंग टाडा मार्गारिटी फेरा सीप में सर्जरी करके मोती बनाने के लिए जिम्मेदार हिस्से मेंटल को उसके जिस्म से अलग कर दिया। इसके बाद उस मेंटल टिश्यू को फ्लास्क में एक खास हयातियाती माहौल बनाकर अंडमान के समंदर से तकरीबन 2000 किलोमीटर दूर प्रयागराज में अपने सेल बायोलॉजी तजुर्बेगाह में ले आए। इसमें खास बात यह थी कि इस पूरे अमल में तकरीबन 72 घंटे का वक्त लगा, जिस दौरान जिस्म से अलग होने के बावजूद मेंटल टिश्यू जिंदा और सेहतमंद था। दुनिया में मोती की पैदावार के तौर तरीकों में तब्दीली की बैन अलावामी अलामत बन चुकी इस तकनीक से मुतालिक दिलचस्प तहकीक में भारत के नौजवान भी खासी दिलचस्पी ले रहे हैं। मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मुझे बहुत ही रोमांचक कार्य लगता है और मैं ऐसे शोध पे हमेशा रुचि लेना चाहूँगा। मैं भी युवा वैज्ञानिक के तौर पर भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लेके जाना चाहता हूँ पर्ल कल्चर के फील्ड में। मोती कल्चर की आलमी सनत में तब्दीली की बुनियाद बने डॉक्टर सोनकर इससे पहले दुनिया का सबसे बड़ा काला मोती बनाने और भगवान गणेश की शक्ल का मोती भी बना चुके हैं। उनकी इस तहकीक का अमल और नतीजे एक्वाकल्चर यूरोप, वर्ल्ड एक्वाकल्चर और इंफोसिस इंटरनेशनल जैसे कई बैन अलाक्वामी साइंसी तहकीक के जरीदों में शाये हो चुके हैं। हाल ही में स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख यूनिवर्सिटी के फॉरेंसिक जेनेटिक मेडिसिन महकमे ने इस शोबे में आगे तहकीक के लिए शराकत दारी की तजवीज भी दी है। डॉक्टर सोनकर को उनकी इस तहकीक के लिए भारत के सदर जमहूरिया ने पद्मश्री से सरफराज किया है। वहीं वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मन की बात ट्विटर हैंडल से भी उनको इस काम के लिए मुबारकबाद देने के अलावा उत्तर प्रदेश के वजीर आला समेत कई शख्सियात ने उनकी तहकीक की तारीफ की है। ओपी यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, उर्दू खबरें। और खेल की खबरों में भारत की निखत जरीन ने तुर्की के शहर इस्तांबुल में खवातीन की आलमी चैंपियनशिप में 52 किलोग्राम के जुमरे में सोने का तमगा जीता है। उन्होंने फ्लाईवेट फाइनल में थाईलैंड की खिलाड़ी को 27-30, 28-29, 28-29, 27-30, 28-29 से शिकस्त दी। 25 साला जरीन साबिक जूनियर यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप चैंपियन है और उन्होंने फाइनल में अपने थाई हरीफ के खिलाफ जबरदस्त मुकाबला किया और गोल्ड मेडल जीता। वो टूर्नामेंट में सोने का तमगा जीतने वाली पांचवी भारतीय खातून बन गई हैं और उनसे पहले तजर्बेकार एमसी मैरीकॉम ने 2002, 2005, 2006, 2008, 2010 और 2018 में टाइटल जीते थे। इसके अलावा सरिता देवी, जेनी आरएल और लीखा केसी ने 2006 में अपने अपने वजन के जुमरे में सोने के तमगे जीते थे।
पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने बॉक्सर निखत जरीन को वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद दी है। खवातीन की आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीतने पर निखत जरीन को दिली मुबारकबाद। कौम को उन पर फख्र है, मुझे यकीन है कि उनकी कामयाबी हमारे नौजवानों खास तौर पर लड़कियों को अपने ख्वाबों को पूरा करने की तरकीब देगी। मेरी नेक ख्वाहिशात हैं कि आप इसी तरह से मुल्क का नाम रोशन करती रहें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ख़वातीन की आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीतने पर बॉक्सर निखत जरीन को मुबारकबाद दी है कि हमारे बॉक्सरों ने हमारा सर फ़ख्र से ऊंचा किया है। एक ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि ख़वातीन की आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शानदार गोल्ड मेडल जीतने पर निखत जरीन को मुबारकबाद। मैं मनीषा और परवीन हुड्डा को भी इसी मुकाबले में कांस्य का तमगा जीतने पर मुबारकबाद देता हूँ। वहीं वजीर खेल अनुराग ठाकुर ने भी सोने का तमगा जीतने पर निखत जरीन को मुबारकबाद दी है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि खवातीन आलमी मुक्केबाज चैंपियनशिप जीतने के लिए निखत जरीन को मुबारकबाद। इस बावकार टूर्नामेंट को जीतकर शानदार फहरिस्त में शामिल होने का अच्छा तरीका है और आने वाले खिताबों में से ये पहला खिताब है। हम सबको आप पर और आपकी शानदार हुसूलियाबी पर फख्र है। और इंडियन प्रीमियर लीग में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। आरआर ने आईपीएल 2022 में अब तक 13 मैच खेले हैं जिसमें उसने 8 मैच जीते हैं और 5 हारे हैं और 16 पॉइंट के साथ उनके पास प्लेऑफ में जगह बनाने का अच्छा मौका है। अपने गुज़िश्ता मैच में आरआर ने लखनऊ सुपर जाइंट्स को 24 रन से शिकस्त दी थी। दूसरी जानिब चेन्नई सुपर किंग्स ने भी 13 मैच खेले हैं लेकिन CSK ने इनमें से सिर्फ 4 मैच ही जीते हैं और CSK का गुज़िश्ता मैच गुजरात टाइटंस के खिलाफ था जिसमें GT ने CSK को 7 विकेट से शिकस्त दी थी। तूतीय हिंद हज़रत ख्वाजा अमीर खुसरो के 718वां सालाना उर्स के मौके पर बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन में वाक़ ख्वाजा हॉल में हज़रत अमीर खुसरो हयात व ख़िदमात के उनवान से बैनुल अक़वामी सेमिनार का इनेकाद किया गया जिसमें अदीबों और दानिशवरों ने मकाले पेश किए और शोराए कराम ने मंजूम नजराना अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर मुख्तलिफ़ खानकाहों सज्जादगान उलमा और मुतअद्दिद सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। और आखिर में जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा ख़त्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।